Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 12, class. Class क्या होते हैं? Class means a group of words. शब्दों का एक समूह होता है that include a subject and a verb. जिसमें एक subject भी होता है और एक verb भी होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? Class बोलते हैं. अब आता है हमारा kinds of class. हमारे class होते कितने तरीके के? हमारे class होते तीन तरीके के. प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट. जिस तरीके से इनके नेम बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से ये सेंटेंस भी बढ़ता चला जाता है. एक सिंपल और जो साधारण सा तरीका होता है उनको समझने का यही है कि प्रिंसिपल मीन्स साधारण सा जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही जिसके अंदर वर्ब होती है वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल क्लास. कि जिस तरीके से स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है उसी तरीके से हमारे सेंटेंस के अंदर केवल एक ही तो सब्जेक्ट होगा और एक ही उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होती है. जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है नीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल. इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब भी है. इसके बाद है कोऑर्डिनेट. जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कोऑर्डिनेट, इसके अंदर सेंटेंस दो होते हैं और दोनों सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग निकलेगा. जैसे ही पास्ड, वो पास हो गया. हिज ब्रदर फेल्ड, उसका भाई फेल हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्लास में केवल एक ही सेंटेंस था लेकिन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है? दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग निकलता है. बट ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? एंड, बट, इन सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ होता है. गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाया. मैन मेड द टाउन, इंसान ने कस्बे बनाए. इन दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है बट इन दोनों को जोड़ किसने रखा है? एंड. प्रिंसिपल क्लास में केवल वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब होती है. इसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे और दो ही वर्ब होती हैं. कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है इसके अंदर एक साथ दो सेंटेंस होंगे बट दोनों का अपना अपना मीनिंग निकलेगा. थर्ड आता है आपका सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है? डिपेंड होता है. जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, ये आपका जो मीनिंग निकल रहा है ना ये अधूरा मीनिंग है. ही लिव्स, वह रहता है, ये भी आपका क्या है? इनकम्प्लीट मीनिंग है. जब तक ये दोनों सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. बट कोऑर्डिनेट क्लास के अंदर क्या होता है? दोनों मीनिंग का अपने जो दो सेंटेंस होते हैं उनका अपना अपना मीनिंग होता है. आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, वी कि वो कहाँ रहता है या वो जहाँ रहता है. एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो. ये तो हुए आपके क्लास. अब इसके बाद हमारा जो मेन चीज है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता ना वो थ्री टाइप्स का होता है. उसके अंदर या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा. नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आप मेरी ग्रामर टू ऑल के अंदर जाकर देख सकते हैं. अलग अलग क्लासों की जो भी ग्रामर मैंने करवा रखी है उन सब के अंदर भी मैंने आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत डीपली करवा रखे हैं. लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. नाउन क्लास क्या होता है? नाउन क्लास होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, किसकी तरह? प्रिंसिपल क्लास की तरह. बट इसके अंदर क्या होगा? द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. लेकिन इसके अंदर काम करने वाला मेन मेंबर कौन होगा? नाउन होगा. जैसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किसके तौर पे करते हैं? वर्ब के. व्हाट यू सेड इज रॉन्ग, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है. ये क्या है हमारा? इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है? जैसे यहाँ डीड दे रखा है. थर्ड नंबर पे आता है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करना. कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कैसे काम करता है? दैट इज व्हाट ही सेड, कि ये क्या है जो उसने कहा.
कि इस तरीके से जो हमारा नाउन होता है वो तीन तरीके से काम करता है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब और एज अ कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव क्लाज। एडजेक्टिव क्लाज क्या होता है? जिसके अंदर हमें एडजेक्टिव मीन्स कुछ ना कुछ नया ऐड होके मिलता है। जैसे आई नो द मैन हु रोट द नावल, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जैसे नाउन को होता है, ऑफ इट्स ओन अपना खुद का, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, किसके तौर पे काम करता है ये एडजेक्टिव के। नाउन वाले में क्या था, वो नाउन के बेस पे काम कर रहा था, बट ये एडजेक्टिव के बेस पे काम कर रहा है। इसके बाद आता है कि हमारे एडजेक्टिव को हम यूज कैसे करते हैं। मॉडिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लाज, कि यहाँ पे है द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, द स्टोरी दैट यू टोल्ड वॉज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये किसके तौर पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे यहाँ पे यस्टरडे दे रखा है। इसमें क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इन तीनों की डेफिनेशन सेम है, बट पहले के अंदर नाउन क्लाज नाउन के बेस पे काम करता है, एडजेक्टिव क्लाज के अंदर एडजेक्टिव बेस होता है, और एडवर्ब में क्या होता है, जो काम करने वाला होता है वो एडवर्ब होता है। अब आपकी जो एडवर्ब है वो किस किस तौर पे काम करती है, जैसे आपकी एडवर्ब क्लाज ऑफ प्लेस, यहाँ पे जगह दे रखी है, यू कैन स्टे, तुम रुक सकते हो, वेयर एवर यू लाइक, कहीं भी जहाँ तुम्हें पसंद हो। दे वेंट वेयर द लिविंग वॉज चीपर, वे वहाँ गए जहाँ पे रहना क्या था, बहुत ही सस्ता था। उसके बाद आता है टाइम के बारे में, हमें समय से बताता है, आई हैड रीच दैट बिफोर यू केम, प्लीज वेट टिल आई, यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है ये समय के तौर पे। यहाँ पे किसके रूप में काम करेगा ये रिजल्ट पे। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको दे रखा है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाज। इन द सबऑर्डिनेट क्लाज का एक चीज और ध्यान रखना कि वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज दूसरे पे डिपेंड होता है, जब तक वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि स्टेट द काइंड, कि वो किस बेस पे काम कर रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ द प्लेस, उस जगह को। यहाँ आपका सेंटेंस आधा है, बट ये कंप्लीट कब होगा, जब इसका आगे का सेंटेंस होगा कौन सा, वेयर सी लिव, जहाँ वो रहती है। तो यहाँ पे सी लिव वो किसके तौर पे काम कर रहा है, नाउन के, तो ये क्या है हमारा नाउन क्लाज है। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, व्हाट योर टीचर से, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद का जो सेंटेंस है, या दैट बिफोर, हाउ के बाद का जो सेंटेंस होता है, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज के तौर पे काम करता है। यहाँ पर भी क्या है, व्हाट योर टीचर से, ये नाउन क्लाज है। व्हेन एवर आई एम फ्री, ये क्या है आपका एडजेक्टिव। दैट यू आर हाइडिंग द ट्रूथ, ट्रूथ सच्चाई के लिए आया, तो ये हमारा एडवर्ब क्लाज है। इसके बाद बिफोर ही रीच द होल, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाज है। हाउ फार इट इज फ्रॉम हेयर, ये आपका एडवर्ब हेयर, जो जगह के बारे में बता रहा है। क्राइंग, रोने के बारे में बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और लॉट, बहुत सारी हेल्प के लिए, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाज है। इसके बाद आता है एड सूटेबल नाउन क्लाज। आपको यहाँ केवल नाउन क्लाज ही ऐड करना है, किसको कंप्लीट करने के लिए, यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज ट्रू दैट यू विल कम, ये सच है कि तुम आओगे। यू सेड दैट सी विल बी प्रेजेंट, एवरीवन नोज दैट ही विल गेट सक्सेस इन लाइफ। इसके बाद आता है टेल मी व्हाई यू डिड इट, वी बिलीव व्हाट वी मेक इट। इसके बाद हमारी सी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि सूटेबल एडजेक्टिव क्लाज टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमने पीछे वाले में क्या भरना था, हमें नाउन भरना था, बट यहाँ हमें एडजेक्टिव क्लाज भरना है। आई नो द बॉय हु वॉन द रेस, एडजेक्टिव के अंदर क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस जो हमारा जुड़ा हुआ है। दिस इज द ड्रेस विच आई बॉट यस्टरडे, वी हैव सोल्ड द कार बिकॉज इट वॉज ओल्ड। डू यू नो द टीचर हु रोट दिस बुक, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई कजन।
इसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लास भरना है. द पेशेंट हैड डाइड इन द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न. वेट हेयर टिल आई केम बैक. द मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट. अरेस्ट द मिसक्रिएंट सो दैट ही कैन बी फनिश्ड. आई शैल कम अर्ली सो दैट आई कैन फिनिश ऑन टाइम. इसके बाद आता है आपका अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अंडर द टेबल आई लुक्ड फॉर माई लॉस्ट पेन. यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्लॉज बताना है. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है वो जो किसी पे डिपेंड नहीं है. सिंपल सेंटेंस. आई लुक्ड मैंने देखा. वी वर बोट. आई डिसाइडेड. आई लिव. ही दैट क्लाइम्स. ही डाइड. माई फ्रेंड. और यहाँ पे आपको दो दे रखे हैं आई सा एंड आई स्टॉप. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है वो बताना है. इसीलिए मैंने इनको अंडरलाइन करके आपको बताया है. ये है आपका चैप्टर. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.